Hello and welcome to TV ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, Khatron ke Khiladi, India ke TV reality shows ka sabse bada stunt-based reality show hai, jisme har baar hi, har season mein, industry ke sabse bade-bade aur khatarnak daredevilry stunt perform karne wale aur logo ko entertain karne wale sabse bade artist aur actor-actresses ko bulaya jata hai. इस रेस में हमेशा ही जो जीतता है उसे ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिलता है. इसलिए खतरों के खिलाड़ी में आने के लिए हमेशा ही जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं वो भारी रकम मांगते हैं और मेकर्स भी उन्हें खुश दिल से अच्छी खासी रकम भी देते हैं, क्योंकि इसका फायदा शो की जीआरपी में देखने को मिलता ही है. ऐसे में इस बार खतरों के खिलाड़ी के न्यू सीजन के लिए सीजन 12 में आ रहे हर एक कॉन्टेस्टेंट को कितनी फीस मिल रही है पर एपिसोड की, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे. वेल दोस्तों, इस शो को होस्ट करने वाले और सबसे मेन बड़े खिलाड़ी यानी कि रोहित शेट्टी इस बार सबसे ज्यादा रकम ले रहे हैं. बॉलीवुड के नंबर वन एक्शन डायरेक्टर माने जाने वाले रोहित शेट्टी काफी सालों से खतरों के खिलाड़ी को होस्ट कर रहे हैं और इस बार सीजन 12 में खतरों के खिलाड़ी के लिए रोहित शेट्टी की जो फीस है वो 3 करोड़ रुपए है. जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ रुपए पर एपिसोड रोहित शेट्टी चार्ज कर रहे हैं. इन्हीं के साथ साथ अब बात करते हैं उन कंटेस्टेंट की जो इस बार सबसे ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल होता है टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और बिग बॉस की विनर रह चुकी रुबीना दिलेक का. रुबीना दिलेक जो कि टीवी इंडस्ट्री की काफी मशहूर और पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, साथ ही साथ उन्होंने बिग बॉस जैसे बहुत बड़े टीवी रियलिटी शो को जीता भी है. वो इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में आने के लिए ले रही हैं पूरे 20 लाख रुपए. जी हाँ, पर एपिसोड की फीस होगी रुबीना दिलेक की 20 लाख. इन्हीं के साथ जो अगला बड़ा नाम शामिल है वो है बिग बॉस 15 के फाइनलिस्ट और काफी ज्यादा बिग बॉस ओटीटी में फेम कमाने वाले कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल. वेल दोस्तों, प्रतीक सहजपाल इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनने के लिए पर एपिसोड 5 लाख रुपए ले रहे हैं. जी हाँ, सहजपाल के बाद जो अगला बड़ा कंटेस्टेंट इस लिस्ट में शामिल है वो है जन्नत जुबैर. जन्नत जुबैर जो काफी बड़ी और पुरानी एक्ट्रेस रह चुकी है, वो इस बार खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने के लिए 2 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज कर रही है. जन्नत जुबैर के बाद अगला बड़ा नाम आता है तुषार कालिया का. तुषार कालिया इंडस्ट्री के बहुत बड़े डांस कोरियोग्राफर हैं और ये हर एपिसोड के लिए चार्ज कर रहे हैं पूरे 8 लाख रुपए. इनके बाद अगला नाम से शामिल होता है निशांत भट्ट का. निशांत भट्ट बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 15 में नजर आ चुके हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी काफी अच्छी है. बताया जा रहा है कि निशांत भट्ट जो है इस बार पर एपिसोड के लिए 6 लाख रुपए खतरों के खिलाड़ी के मेकर से लेने वाले हैं. इन्हीं के साथ अब अगला नाम शामिल है लॉकअप के सीजन 1 के विनर और स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का. मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनने के लिए पर एपिसोड 4 लाख रुपए ले रहे हैं. मुनव्वर के बाद अब अगला नाम शामिल होता है टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक शिवांगी जोशी का. शिवांगी जोशी काफी बड़ी और पुरानी एक्ट्रेस हैं. स्टार प्लस में उनका सुपर हिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद उनके सीरियल आए हैं कलर्स पे बालिका वधू सीजन 2 और इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनने के लिए वो ले रही है पर एपिसोड के 2.5 लाख रुपीज. वेल दोस्तों, ये कुछ ही के बाद अगला नाम शामिल होता है मोहित मलिक का. जी हाँ, मोहित मलिक जो की खतरों के खिलाड़ी में आपको नजर आएंगे और वो कि पर एपिसोड की जो फीस है वो बताई जा रही है पूरे 5 लाख रुपए. वेल इनके बाद अगली टीवी इंडस्ट्री की काफी पॉपुलर और क्यूट एक्ट्रेस है कनिका मान. जी हाँ, कनिका मान एपिसोड के लिए जो पैसे चार्ज कर रही है वो है उनकी फीस होगी 3 लाख रुपए. इनके बाद जो अगला बड़ा नाम शामिल है वो है इंटरनेट सेंसेशन फैजल शेख, जिन्हें प्यार से फैजू के नाम से भी जाना जाता है. वेल फैजू जो है पर एपिसोड के 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं. वह फैजू के बाद अगली बार जो नाम शामिल है लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो नेम सामने है वो है चेतना पांडे का. चेतना पांडे अपने पर एपिसोड की फीस काफी अच्छी ज्यादा ले रही है. क्यों पांडे है वो पर एपिसोड की फीस ले रही पूरे 3 लाख रुपए. वेल दोस्तों, आपको कौन से कॉन्टेस्टेंट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें.